Good morning, students. I hope all of you are fine. So before it, we have done up to 20 question of exercise 6.3. So now we will start from 21 question. So what is 21st question? Here I want to tell you again some about the equations of the tangent and normal. We have written this equation of the tangent of y minus y1 is equal to dy by dx x minus x1. This is equation of the tangent. X1, Y1 क्या points of contact होते हैं, coordinates of the point of contact है ना, तो यहाँ पे y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx x minus x1, this is the equation of the normal, ठीक है, और normal क्या होता है, normal is a line perpendicular to the tangent, normal is a line perpendicular to the tangent through the point of contact. जब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने दोबारा आपको बता दिया. आप 21 क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. देखो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है ना. टू द कर्व दिस, ये कर्व दिया हुआ है, दिस इज द कर्व, और वो जो नॉर्मल है दैट इज पैरेलल टू द दिस, दैट इज पैरेलल टू द दिस. इस राइट पे क्या है, पैरेलल है. देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है. अब इसका देखो ये क्या है, क्वाड्रेट, एक मिनट, ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, देखो ये क्यूबिक है ना, यहाँ पे क्या है, थ्री आई थिंक, यहाँ पे पावर क्या है, थ्री, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो है ना. अब क्यूबिक का ना, वैसे लोग क्यूबिक का ग्राफ देखो, जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा ना, मतलब यहाँ पे एक्स एक्स को तीन पॉइंटों पे काटेगा ना, कहीं पे भी हो सकता है. अब ये इसका ग्राफ से हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने ग्राफ नहीं बनाना, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊंगा. वैसे तो इसका ग्राफ ये क्यूबिक है ना, इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से, मतलब एक्स एक्सिस को तीन पॉइंटों पे कटना चाहिए ये, ठीक है, तो क्योंकि तीन इसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं ना. तो नाउ अगर मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं थोड़ा सा, अगर मान लो कहीं पे भी ये कुछ, मान लो यहां से ऐसे आके, यहां से ऐसे आके ऐसे जाता है, मान लो कुछ ऐसे है ना. इस क्वेश्चन की बात बता रहा हूं आपको भी, इसमें क्या पूछा गया है, मान लो यहां पे टेंजेंट है, यहां पे ऐसे ये टेंजेंट है ना, हमें टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, नॉर्मल की. तो नॉर्मल यहां पे हो कैसे, ये क्या है नॉर्मल, इसकी इक्वेशन निकालनी है ना. तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए एक्स वन वाई वन है ना, और ये नॉर्मल जो है ये पैरलर है किसके, ये लाइन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. ये किसकी इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है इसकी, ये दी हुई है एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो. देखो आपने ना ये वो नहीं बनाना कुछ भी, जैसे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं. वैसे तो जस्ट मुझे क्वेश्चन देखो ऐसे करना है कि ये क्या है, ये क्या है, कर्व है, इसका मुझे क्या निकालना, मैंने देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप निकाला पहले मुझे ना, तो ये क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू है ना, ये आ गया. अब यहां पे मैंने लिख दिया लेटर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है एक्स वन कॉमा वाई वन है ना. फिगर की मैं ये बता रहा हूं, जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिखूंगा लेटर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप देख ना. तो यहां पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बता दें डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन है ना, इसमें वाई तो आ नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन स्क्वेयर प्लस टू, ये हो गया. ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया किसका, टेंजेंट का है ना. तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल का है ना, नॉर्मल का. अब नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल. देखो हमें पता है ना ये टेंजेंट एंड नॉर्मल है ना, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो एम वन इंटू एम टू, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वन. तो हम सीधा ही बता देते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहां पर क्या आएगा, माइनस वन अपॉन दिस थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस टू है ना. वो देखो यहां पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. और वैसे भी बस आपने ये याद रखना है, जो अगर अगर टेंजेंट का नॉर्मल मान लो सेवन अपॉन सिक्स है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा माइनस सिक्स ओवर सेवन, इसका रेसिप्रोकल एंड आगे क्या आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है. तो डेट ऑन ये हम कर दिया है ना, ये कर दिया मैंने, इसका रेसिप्रोकल एंड माइनस आई लगा दिया है ना ये. अब उसने ये कहा था कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और वो नॉर्मल इसके क्या है पैरेलल है ना, इसके क्या है इस लाइन के पैरेलल है. अब ये देखो ये मैं इसलिए बना रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये नॉर्मल भी है क्या है लाइन है,
और ये भी एक क्या है लाइन है, ये दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल हैं। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं बेटा इक्वल, जो हम प्लस वन में पढ़ चुके हैं एम वन इजिकल टू एम टू, और परपेंडिकुलर होती है तो एम वन इंटू एम टू इजिकल टू माइनस वन होता है। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालो। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे बेटा, जैसे प्लस फोर इजिकल टू जीरो, आप ऐसे कर लिया करो, इसको क्या कहोगे फोर्टीन वाई इज इक्वल टू, है ना, ये उधर चला जाएगा माइनस एक्स माइनस फोर, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 14 माइनस 4 अपॉन 14। ये वाली फॉर्म ये क्या होती है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो यहां से m इसको कंपेयर कर दो ना, m ऐसे यहां पे m क्या आ गया, मतलब स्लोप क्या आ गया यहां पे माइनस वन अपॉन 14, ये आ गया स्लोप, है ना। और एक मैंने सीधा देखो प्लस वालों के फॉर्मूले हैं कुछ, मैं इसलिए बताता हूँ कि एक बार बच्चा भूल जाता है, वैसे एक्चुअल में ये क्या होता है सुन लो जो, ये भी माइनस ए ओवर बी, ये स्लोप होता है लाइन का। कैसे देखो, ये इक्वेशन होती है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जब वाई को आप इस फॉर्म में लेके आओगे तो वो माइनस ए अपॉन बी ही होता है। कैसे, ये देखो बी वाई इज इक्वल टू उधर चला गया माइनस ए एक्स प्लस माइनस सी, है ना, तो अब ये क्या होगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी, है ना, तो ये क्या आ रहा है माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ए है क्या एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, ये हम प्लस वन में पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या था वन, है ना, तो क्या आ गया वन, आगे माइनस आ रहा था माइनस वन, बी बी क्या था इसका कोफिशिएंट, है ना, तो माइनस ए ओवर बी। तो अब मैं इसलिए आपको इस फॉर्म में बता देता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट बताता तो कई बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता होता, है ना, अब मैंने जैसे बता दिया आपको, ठीक है, तो ये था हमारी बात, है ना, व्हाट इज दिस नाउ, तो ये आई थिंक ये फिगर आपको समझ आ गई होगी ना ऐसे, तो नाउ फिगर की आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो नाउ ये क्या है भाई, अपना स्लोप आ गया, अब इसका स्लोप ये था, मैंने वो बोली थी दोनों लाइने क्या है, हम टू लाइन आर वट पैरेलल, जब पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होंगे इक्वल, तो व्हेन यहां लिख दिया करो पूरा, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन एम वन इज इक्वल टू एम टू, है ना, आपने लिखना होता है। तो अब क्या करोगे माइनस वन अपॉन थ्री एक्स वन स्क्वेयर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 14, है ना, माइनस के साथ तो माइनस कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थ्री एक्स वन का स्क्वेयर प्लस टू इज इक्वल टू 14, है ना, तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन का स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, टू दरिया क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स वन स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 2 आ गया बेटा, ये प्लस माइनस 2 आ गया हमारे पास, ये क्या है बेटा, ये एक्स वन आया है ना, अब मुझे वाई वन भी निकालना है, अब वाई वन कहां से निकालोगे, इस बात का ध्यान रखो वाई वन मैं इसमें नहीं पुट करूंगा, क्योंकि मैंने फिर थोड़ा सा फिर देखो बढ़ा रहा हूं, मान लो ये था ना ये कर्व ऐसे आ रहा था कोई मान लो, तो ये ऐसे टेंजेंट था, ऐसे इसके ऊपर क्या होगा नॉर्मल, अब जो ये है लाइन, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल, अब इसका और इसका तो कोई कंटेक्ट नहीं है, एक्स वन वाई वन यहां पे है एक्स वन वाई वन, अब ये पॉइंट इस टेंजेंट पे भी है और इस कर्व पे भी है, इस कर्व पे भी है, ठीक है, कर्व पे भी है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा ये एक्स वन वाई वन, क्योंकि बच्चे में से कई बार पूछते हैं पास में कि सर हम एक्स वन वाई इसमें नहीं लाई कर सकते, इस पे भी तो लाई करेगा, इस पे नहीं लाई करेगा, मैंने बता दिया वो किस पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा, है ना, तो इसको फर्स्ट मान लो, तो नाउ यू कैन राइट एक्स वन वाई वन लाइज ऑन फर्स्ट, सो ये क्या लिखी वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन क्यूब प्लस टू एक्स वन प्लस सिक्स, है ना, अब एक्स वन क्या है दो आ रहे हैं ना, एक तो टू आ रहा है, जब ये टू होएगा एक्स वन तो वाई वन कितना हो जाएगा, वाई वन देखो टू का क्यूब कितना हो जाएगा एट प्लस टू टू जर फोर प्लस सिक्स, तो ये कितना हो गया एटीन, ठीक है ये कितना हो गया एटीन, अब जब एक्स वन क्या है माइनस टू है तो वाई वन कितना हो जाएगा माइनस टू का क्यूब माइनस एट माइनस टू माइनस फोर प्लस सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस फोर, ये आई थिंक आ जाएगा टू माइनस सिक्स, अब ये हो गया ना, अब पॉइंट कौन कौन से आ गए बेटा, एक तो पॉइंट आ गया टू, अगर ये टू है तो वो कितना आ रहा है एटीन, है हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी इक्वेशन ही निकालनी थी आई थिंक नॉर्मल के ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस, है ना,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं, ये क्या आएगा y माइनस वाई वन, वाई वन कितना आया बेटा 18 है ना, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना था बेटा, स्लोप स्लोप की वैल्यू क्या थी, स्लोप की वैल्यू ये ले सकते हैं, तो इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये भी वही आएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी माइनस वन अपॉइंट 14, क्योंकि उनके दोनों के स्लोप क्या है इक्वल, ठीक है। एक्स माइनस एक्स वन कितना है 2 है ना, इसको हम सोल्व करें है ना, तो व्हाट यू कैन डू हियर नाउ, 14 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बेटर रहेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको आप 14 के साथ, तो ये क्या आएगा 14 वाई माइनस 18 चौका 72 7 25 तो 52 आ गया है ना। अब ये माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 2, तो नाउ व्हाट विल बी देयर, एक्स इधर आ जाएगा एक्स प्लस 14 वाई एक्स उधर और प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा माइनस 254 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई एक नॉर्मल की है ना। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे, दूसरी इक्वेशन में आप क्या करोगे, अब माइनस 2 पॉइंट पुट करोगे, माइनस 2 था तो वो कितना आ जाएगा माइनस 6, तो ये वाला आप खुद कर लोगे है ना, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नाउ बेटा 22nd क्वेश्चन है ना, 22nd भी सेम है, इसी है, आप कर सकते हो। What is there? Find the equation of the tangent and normal to the parabola y square is equal to 4x at the points. Points दे रखे हैं हमें, equation of the tangent भी निकाल लिया और normal भी निकाल लिया। तो आप पहले क्या निकालोगे? Slope तो dy अच्छा dy by dx है ना? थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? 2y dy by dx is equal to है ना? यहाँ पे क्या करोगे? अब इसका क्या आ जाएगा? 4a 4a है ना? तो now what will be there? dy by dx is equal to 4a upon 2y, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल दिया ना हमने, कहां पे dy by dx at these points a t square comma 2at। अब देखो इसमें इसमें क्या आ रहा है, इसमें y आ रहा है ना, y इसमें x नहीं है, तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 4a upon 2 into y, y कितना था into 2at, तो 2 2 4 कैंसल, ए के साथ ए कैंसल, सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई इसकी 1 अपॉन t आ गई। अब ये क्या आ गई वैल्यू 1 अपॉन t। अब हमने क्या निकालनी है बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वो क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन है ना। तो ये क्या कर दोगे, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है बेटा, वाई वन ये है 280 इज इक्वल टू 1 अपॉन t, ये स्लोप था इसका x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है ए टी स्क्वेयर है ना, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, वाई टी आ जाएगा माइनस 280 स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है t स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस ए टी स्क्वेयर, सो नाउ यू कैन डू इट, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे पहले माइनस एटी स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 280 स्क्वेयर, नाउ वाई टी इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों सेम लाइक टर्म्स है, तो यू कैन एड इट, तो प्लस क्या आ जाएगा ये 80 स्क्वेयर है ना। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और नॉर्मल की निकालनी है तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, देखो मैंने ये क्या कहा है, इसका ये होता है ना माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे वो टी 1 अपॉन t है ना, तो यहाँ पे ये याद रखना अब यहाँ पे माइनस 1 अपॉन ये 1 अपॉन t ऐसे लिखना बेटा, कई बच्चे 1 अपॉन t लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस टी, फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है माइनस 1 अपॉन dy/dx है, तो बच्चा यहाँ पे जल्दबाजी है ये लिख देता है 1 अपॉन t, और मैंने वैसे भी कहा अगर इसका टेंजेंट का स्लोप 1 अपॉन t है तो नॉर्मल का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, एंड आगे क्या लग जाएगा माइनस, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या आ जाएगा टी, और आगे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये था हमारा 22nd क्वेश्चन, वो इक्वेशन आप खुद निकाल सकते हो। नाउ बेटा नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना। अब वो ये कह रहा है प्रूव दैट द कर्व्स, एक कर्व ये है एक ये कर्व है ना, दो कर्व्स दिए हुए हैं,
prove that the curve this and this cut at right angles if 8 k square is equal to 1. If 8 k square is equal to 1. अगर ये condition देखो ये curve ये है एक ये curve है ये curve भी equation है ये curve भी equation है कह रहे थे cut at right angles they cut at right angles if 8 k square is equal to 1. कह रहा उसने हमें कह दिया देखो hint दे दिया कि cut at right angles है जब cut at right angles है तो तब क्या होता है देखो नीचे लिखा हुआ है two curves intersect at right angles if the tangents to the curves at the point of intersection are perpendicular to each other. What is meaning of this? देखो दोबारा समझो कह रहा है कि ये करवाए के लिए दे कट एट राइट एंगल्स इफ ये कंडीशन है हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन अब कर्व्स कैसे कट करेंगे है ना किसी के मन में ये आ रहा तो वो देखो मान लो एक कर्व ये है मान लो एक कर्व ये आ रहा कहीं पे ना तो एक कर्व ये आ रहा है तो एक कर्व मान लो ये आ गया ना ऐसे ये है ये कट एट राइट एंगल्स है ना इसको बोलते हैं तो जब ये देखो इसका टेंजेंट जो होगा इस कर्व का टेंजेंट ऐसे रहेगा इस कर्व का देखो ये जो कर्व लिखा है मैंने ये कर्व बनाया ना मान लो मैंने ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है मतलब टेंजेंट है इसके ऊपर अब इसका टेंजेंट जो ऐसे होगा ठीक है तो इसका मतलब अगर दो कर्व कट कर रहे हैं राइट एंगल पे तो इसका मतलब उसके टेंजेंट्स भी क्या कट कर रहे हैं राइट एंगल पे एक का ये हो गया एक का समझाइए बेटा ये कॉमन पॉइंट हो गया अब इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों के क्या हो गए एक्स वन वाई वन ये बात समझाई कि नहीं आई बेटा मैं दोबारा फिर बता दूं मान लो एक कर्व अगर ऐसे है एक कर्व ऐसे है तो दूसरा कर्व कैसे हो जाएगा ऐसे ये कट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे इसका मतलब क्या होगा एक टेंजेंट ये है इसका इस कर्व का टेंजेंट इसका ये इस कर्व का टेंजेंट ये है और इस कर्व का टेंजेंट कहां पे होगा यहीं पे तो होगा फिर ऐसे ठीक है और ये कहां पे कट कर रहे हैं 90 डिग्री पे ठीक है ये कंडीशन है जब ये कर्व्स कट कर रहे हैं राइट एंगल पे तो उसके टेंजेंट्स भी क्या कट करेंगे बेटा राइट एंगल पे ये याद रखना ठीक है ऐसे ठीक है सो नाउ इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने क्या लिखी एक्स वन वाई वन लेट मैंने लिख दिया जाऊंगा लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर एक्स वन पूरा लिख लिया करो आप अपने आप एक्स वन वाई वन है ना अब पहले तो मुझे एक्स वन वाई वन निकालने पड़ेंगे बेटा ठीक है वो कैसे निकालूंगा देखो अब ये दोनों के ऊपर लाई कर रहे हैं तो यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन का स्केयर कॉमा यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू के ठीक है अब यहां से एक्स वन की वैल्यू क्या होगी एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन का स्केयर है और यहां से एक्स वन कितना आ जाएगा मेरे पास इसको क्या मान लो फर्स्ट इसको क्या मतलब ये देखो जब वो दो लाइंस कट करती है ना हम ऐसे करते थे टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो ये क्या होता था इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो मान लो ये इसकी इक्वेशन ये है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री है ना इसकी इक्वेशन है मान लो इसकी फाइव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एट एक इक्वेशन ये है एक ही है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं टेंथ क्लास में हम पढ़ते आए हैं वो कौन सा मेथड लगाते थे हम या तो आप लगा दो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब्स्टिट्यूशन और कौन सा होता है सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अरे भाई सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक वो जो इसको निकालते हैं इसको क्या कहते हैं बताओ ये एक्स की इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ना तो तीन मेथड होते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या सब्स्टिट्यूशन कर दो या एलिमिनेशन मेथड होता है ना तीन मेथड होते हैं एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन है ना उससे तो वही मैं यहां पे निकालूंगा ना कोई भी एक्स वन इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे के इज इक्वल टू के एक्स वन इज इक्वल टू के पॉइंट वाई वन ये भी एक्स वन की वैल्यू है ये भी एक्स वन तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बट वी कैन राइट हियर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन वाई वन है ना तो ये क्या हो जाएगा वाई वन क्यूब इज इक्वल टू के है ना तो वाई वन की वैल्यू क्या आ गई ये आपको पता है ना ये के की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे वन अपॉन थ्री जैसे हम बेटा यहाँ पे होता है ना के स्केयर इज इक्वल टू फोर होता है तो यहाँ पे क्या हो गया एट हो गया ना तो ये क्या होता है के इज इक्वल टू एट की पावर वन बाय टू भी तो होता है ये पावर जो होती है ना ये वहां जाके क्या हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है बस इस बात का ध्यान जो भी कुछ हो यहाँ पे थ्री हो वन बाय थ्री हो जाएगा फोर है तो वन बाय फोर हो जाएगा तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई वाई वन की दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई वन अब मैं तो दूसरा पॉइंट भी निकाल लू पहले है ना नाउ आई विल फाइंड आउट सेकेंड पॉइंट कैसे निकालेंगे
सेकंड बस ये निकल ही पड़ा है, देखो एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन का स्केयर है, एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन का स्केयर है ना, तो एक्स वन क्या हो गया बेटा, वाई वन की वैल्यू क्या आ रही है, के की पावर क्या आ रही है, वन बाय थ्री, उसकी पावर कितनी है यहां पे, वाई वन का स्केयर है, तो एक्स वन कितना हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू के की पावर, इसको पावर के साथ पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई टू बाय थ्री, तो अब ये पॉइंट्स क्या हो गए, के की पावर टू बाय थ्री कॉमा है ना, दूसरा क्या है वाई वन क्या है, के की पावर वन बाय थ्री, ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये भी आ गया है ना। अब हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ये देखो ये इसका टेंजेंट है, इस कर्व का टेंजेंट है, ये इस कर्व का टेंजेंट है, ठीक है, ये और ये टेंजेंट, दो टेंजेंट्स हैं, दोनों क्या है लाइंस है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो एम वन इक्वल टू एम टू होता है, लेकिन जब दो लाइंस क्या होती है परपेंडिकुलर, तो आप यहां पर लिख दोगे स्लोप्स आर परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स भी क्या होंगे उनके, मतलब टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, यहां पर क्या लिखो, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, देन एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन, ये कंडीशन हम लगाएंगे बेटा, पहले इसका स्लोप निकालेंगे ना, इसका स्लोप क्या निकलेगा, देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन इज इक्वल टू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या आ गया हमारे पास वन अपॉन टू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे डी वाई बाय डी एक्स एट दीज पॉइंट्स है ना, एट दीज इस पॉइंट्स पे तो वैल्यू निकालनी है इसकी, इसकी वैल्यू के टू बाई थ्री कॉमा के वन बाई थ्री इस पे, तो ये क्या देगी बेटा वन अपॉन टू इंटू वाई की वैल्यू आ गई सिर्फ, तो वाई की वैल्यू क्या है के की पावर वन बाई थ्री, ये आ गया हमारे पास एक टेंजेंट का स्लोप है ना। अब दूसरे का निकालो, अब क्या निकालोगे दूसरे का क्या निकलेगा बेटा, ध्यान से देखो, अब देखो दूसरे का है ना, ये दूसरे का, दूसरा ये था यहां पे एक्स वाई इज इक्वल टू के, ए कॉन्स्टेंट है ना, एक्स का डेरिवेटिव पहले यू इंटू वी वाला लगा दे वन प्लस सॉरी पहला एक्स एज इट इज आ गया, एक्स सॉरी एक्स क्यों आया, इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव है ना, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया वन इंटू वाई प्लस फिर एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा के का डेरिवेटिव क्या आ गया जीरो, तो अब यहां पे ये क्या बनेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया। अब इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किस पे, उन्हीं पॉइंट्स पे बेटा, ये पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट्स हमने निकाले थे ये वाले, ठीक है के टू बाई थ्री कॉमा के वन बाई थ्री इस पे इज इक्वल टू के की ऊपर वैल्यू क्या है माइनस वाई क्या आ गया के की पावर वन बाई थ्री अपॉन एक्स, एक्स कितना है के की पावर टू बाई थ्री, ये आगे बेटा। अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा आप सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि ये के है ये भी के है ना, तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो थोड़ा कर ही दो मैं इसको ना सॉल्व, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना इसको, डी वाई बाई डी एक्स एट दीज पॉइंट वैल्यू माइनस के की पावर वन बाई थ्री है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। अब एलसीएम ले लोगे तो ये क्या लेगा बेटा माइनस के की पावर माइनस वन अपॉन थ्री, ये आ गई, और ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में माइनस वन अपॉन के की पावर वन बाई थ्री, एक ये स्लोप आ गया है ना। अब हमारे पास ये कंडीशन थी एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वन है ना। अब मैं थोड़ा सा यहां से बेटा इरेज कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है जी। अब ये क्या करोगे एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, अब ये कंडीशन थी ना हमारे पास, तो ये क्या हो गया वन अपॉन टू रेज टू के रेज पावर वन अपॉन थ्री इंटू
इंटू माइनस वन ओवर के की पावर वन बाय थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, है ना, माइनस वन, ये माइनस कर रहा तो माइनस कैंसिल हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना, ये वन अपॉन ये टू, ये के देखो वन बाय थ्री वन बाय थ्री, तो इसकी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी एड, तो ये एड होकर कितना रहेगा के टू बाय थ्री इज इक्वल टू वन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ के को कर रहा हूं मैं, वन अपॉन टू इज इक्वल टू के की पावर टू बाय थ्री। अब मुझे उसने ये कहा था कि एट के स्केयर इज इक्वल टू वन, तो यहां पर मुझे के स्केयर तो चाहिए। अब क्या कर दो, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, जब क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे बेटा, यहां पे भी और यहां पे भी, तो ध्यान से देखो ये पावर की पावर यहां पे कैंसिल हो जाएगी और ये क्या रहेगा वन ओवर एट इज इक्वल टू, ये इसके बाद कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा के स्केयर, तो अब ये क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से क्या आ जाएगा एट के स्केयर इज इक्वल टू वन, यही कंडीशन हमें प्रूव करना। कुछ नहीं था बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, उसने ये कहा था कि ये कर्व है एक ये कर्व है, दोनों कर्व क्या है राइट एंगल्स पे कट करते हैं, जब दो कर्व राइट एंगल पे कट करेंगे तो उनके टेंजेंट भी क्या करेंगे कट एट राइट एंगल्स, तो हमने जस्ट सिर्फ वो दो पॉइंट माने एक्स वन वाई वन और फिर इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ठीक है, और उनको एम वन इंटू एम टू करके माइनस वन के इक्वल रख दिया और इन दोनों को सोल्व करके एक्स वन और वाई वन निकाले हैं, ये पॉइंट बस ये था। नाउ वील डू 24th क्वेश्चन, है ना, 24th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द व्हाट इज देयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट दिस, तो सिंपल है बेटा, हाइपरबोला की वैसे इक्वेशन चलो यूज तो नहीं है इसकी, हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है ना, इसका ऐसे होती है हाइपरबोला की इक्वेशन, है ना, यहाँ पे वो टेंजेंट यहाँ पे भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे टेंजेंट है ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे पॉइंट ये क्या दिए हुए एक्स नॉट वाई वन, एक्स जीरो वाई जीरो एक्स नॉट वाई नॉट बोल रहे हैं, है ना, ये पॉइंट दिए हुए, तो इससे चलो मैं कोई मतलब नहीं, हम तो इक्वेशन निकालनी है उसकी, है ना, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, है ना, तो ये क्या हो जाएगा सबसे पहले तो क्या निकालो डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो स्लोप क्या, स्लोप ही निकालना होगा भाई, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स ना वन, ये एक्स वन है ये वाई वन है ना, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे पहले इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, चलो एलसीएम चलो ऐसे कर दो, व्हाट विल बिकम दिस टू एक्स अपॉन 2x अपॉन ए स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट था साथ में, माइनस 2y, 2y आ गया क्या, तो बी स्क्वायर तो चलो था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, मतलब चलो इसको उधर ले लो आप, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाना, टू के साथ भी टू कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो बी स्क्वेयर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वेयर एक्स, यहां से नीचे का आ जाएगा ए स्क्वेयर वाई, है ना, अब इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहां पे, कौन से पॉइंट पे, एक्स नॉट वाई नॉट, है ना, इसको एक्स नॉट वाई नॉट बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर, तो एक्स की जगह पे एक्स नॉट आ गया अपॉन ए स्क्वेयर वाई नॉट आ गया, ये आ गया हमारे पास, है ना, अब इसकी क्या निकालनी है इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं निकालूंगा, नॉर्मल आप खुद निकालोगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन होता है ये होता है ना बेटा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई वन कितना है वाई नॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना था बी स्केयर, बी स्केयर एक्स नॉट, है ना, अपॉन ए स्केयर वाई नॉट, तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह पे क्या आएगा एक्स नॉट, ये आ गया ना, अब इसको हमें सॉल्व कर देना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये क्या आएगा वाई y इंटू वाई नॉट ए स्क्वेयर, इसको इसके साथ करोगे ना दोनों के साथ होगा ये मल्टीप्लाई, तो माइनस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई नॉट का स्क्वेयर, है ना, इज इक्वल टू यहां पे इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर एक्स एक्स नॉट,
ठीक है, माइनस, ध्यान से देखना गलती ना हो जाए, कोई फिर हमें दिक्कत आती है ना, बी स्क्वायर एक्स और एक्स नॉट है ना, फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर है ना, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें इक्वेशन चाहिए होती है ना एक्स वाई वाले में, तो जो एक्स वाई वाले हैं वो एक तरफ इकट्ठे कर लो, जो एक्स वाई वाले हैं, एक्स वाई वाले हैं, एक्स वाई वाले का मतलब ये वाई है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा वाई वाई नॉट ए स्क्वायर है ना, इसको इधर ले आओ, ये इसके साथ एक्स था, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट तो वो कॉन्स्टेंट है, एक तरह से उनको एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ये हो गया, अब यहां पे माइनस, ये माइनस बी स्क्वायर, इसको एक्स मतलब ये वाली चीज लिख रहा हूं मैं, इसको एक्स बी स्क्वायर एक्स नॉट, ये इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू, ये उधर क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये मैंने इसलिए कर दिया ना क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट तो ये एक पॉइंट थे, रियल पॉइंट्स, तो एक तरफ इकट्ठे कर दिया ना, अब ये इक्वेशन होनी चाहिए हमारी, तो इसको थोड़ा सा ना एक और देखो हम और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो ना, अगर मैं इसको देखो वो इक्वेशन ऐसे थी, तो मैं इसकी भी इक्वेशन ऐसे कुछ बनाऊंगा ना, अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूं दोनों को, किसके साथ ए डिवाइड बाय, देखो ये कुछ नहीं है, हो सकता है आंसर यहां तक भी ठीक माना जाए, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ आंसर और दे रखा पीछे ना, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो कर दो, तो वो क्या हो जाएगा वाई वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, मतलब थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, तो ए स्क्वायर नॉट ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल, सो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर है ना माइनस एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, ये आ गया। अब देखो इसको ना एक और देखो, ये इक्वेशन हमारे पास स्टार्टिंग में ये इक्वेशन थी, अब ये जो पॉइंट्स है एक्स नॉट और वाई नॉट, तो इस पर भी लाई करेंगे जैसे हम हरेक क्वेश्चन में करते आए हैं, इसको लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर है ना, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो रहा, ये मैंने क्या किया था बेटा, यहाँ पे एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया ना उधर जाके, ये यहाँ पे था, ये देखो ध्यान से देखो, ये उधर जाके प्लस होना था एक्स वाला है ना, ये बी स्केयर एक्स स्केयर एक्स वाला इधर था, यहां से किया था ना हमने, ये ए स्केयर वाई स्केयर उधर जाके क्या होगा प्लस, ठीक है ये चलो इसको देखते हैं क्या आएगा, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई नॉट स्केयर अपॉन अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू वन, ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे क्या था देखो, यहां पे हमारे पास यहां पे इक्वल टू आ गया ना, अब ये और ये दोनों ना साइन में थोड़ा उल्टे हैं ना, क्योंकि वो ये वाई नॉट स्केयर अपॉन बी स्केयर आ गया रहा है, यहां पे ये आ गया रहा है, तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल दूं बेटा, माइनस कॉमन निकाला ना, तो ये क्या बन जाएगा देखो, इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस, इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा यहां पे, इसकी वैल्यू क्या आ गई वन। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये वाली ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये इक्वल टू क्या है वन, तो इसकी जगह पे क्या रख दोगे आप वन है ना, तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये इक्वल टू क्या आ गया वन है ना, तो अब अगर आपने ये भी ठीक है, ठीक है अब ये क्या हो जाएगा वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर माइनस एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन, ये आंसर है बस, इसको और वेरी और करना है तो ये यहाँ पे वन लेके आना, तो वन ले आओ आप, तो क्या हो जाएगा ये
दोनों तरफ माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आगे आ जाएगा बस, इसमें क्या हो जाएगा माइनस इधर से कॉमन निकाल लो बस, माइनस इधर से कॉमन निकालोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वन, वन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो आपने पीछे दिया हुआ है। नाउ 25th क्वेश्चन, इसमें फिर बेटा वही चीज है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वैसे वो निकाली थी क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट, नॉर्मल भी निकाली वो खुद निकाल लोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये कर्व दिया हुआ है विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, पहले भी कर चुके हैं, इसके ऊपर टेंजेंट है और वो टेंजेंट क्या है पैरेलल टू दिस है, जब वही यही बेटा इसका कर्व आ जाएगा, जो देखो ये कैसे भी अगर कर्व आया था, ये कोई ये कर्व है इसके ऊपर ये टेंजेंट है और ये लाइन इसके क्या है पैरेलल, तो इसका स्लोप क्या होएंगे इक्वल, तो हम वहीं से वे वैल्यू निकालेंगे और ये पॉइंट्स क्या रख लेंगे हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पहले तो हम यहीं से शुरू करेंगे, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर एक्स वन कॉमा वाई वन, है ना, ये आगे एक्स वन वाई वन, अब इस सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रूट एक्स है तो मैंने आपको बताया हुआ रूट एक्स का क्या होता है वन पॉइंट टू रूट एक्स अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू इन टू, फिर इसका भी मल्टीप्लाई होगा इसका डेरिवेटिव थ्री, आप करके देख लो इसकी पावर वन बाई टू करके वन बाई टू आगे आ जाएगी, फिर वो माइनस वन आएगा माइनस वन बाई टू आ जाएगा तो ये आएगा, बस मैंने आपको ये बताया हुआ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, अगर करके देखना तो आप माइनस वन बाई टू करके देख लोगे, ये आगे इसके डेरिवेटिव, अब इसकी वैल्यू कहां पे मैंने क्या पॉइंट दे रखे बेटा एक्स वन है ना वाई वन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू रूट थ्री एक्स वन माइनस टू, है ना, ये हो गया इसके, ये इसका इसका तो हमें स्लोप मिल गया इसका, ये किसका स्लोप आया है टेंजेंट का, है ना, अब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, इस लाइन का स्लोप मैंने अभी देखो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, या तो वाई इजिकल टू क्या कर दो आप, वाई इजिकल टू क्या कर दोगे बेटा वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख दो, जहां हमें पता है कि स्लोप इसका क्या होता है माइनस ए ओवर बी, ठीक है, माइनस ए ओवर बी, ए किसको बोलते हैं एक्स के कोएफिशिएंट को, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर ओवर बी, बी कितना है माइनस है टू माइनस टू, तो ये कैंसिल होगा इसके साथ तो टू टू सर क्या आ जाएगा फोर, तो टू आ गया ना इसका स्लोप, एक बार फिर भी देख लेना आप इसको ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके भी कर सकते हो, तो जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना ये वही फॉर्म, ये तो जो यहाँ पे m आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ गया टू, अब इसका स्लोप देखो जब टू लाइन आर पैरेलल होती है टू लाइन आर पैरेलल तो एम वन इज इक्वल टू क्या होता है एम टू, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री अपॉन टू रूट थ्री एक्स वन माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू इक्वल टू टू ही तो आएगा टू ही आ गया इक्वल टू टू, है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा टू टू जार फोर अंडर रूट थ्री एक्स वन माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, यहां से मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है वैल्यू निकालनी है जी एक्स वन की, तो कैसे करोगे बेटा स्केलिंग करनी पड़ेगा मुझे ना स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन ये थ्री एक्स वन माइनस टू क्योंकि स्केयर के साथ अंडर रूट के साथ क्या हो गया कैंसिल तो ये क्या हो गया नाइन, अब ये क्या हो जाएगा बेटा थ्री एक्स वन माइनस टू इज इक्वल टू नाइन अपॉन सिक्सटीन, तो थ्री एक्स वन इज इक्वल टू बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन इज इक्वल टू ये सिक्सटीन एलसीएम ले लिया नाइन प्लस सिक्सटीन टू जा थर्टी टू तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी वन अपॉन सिक्सटीन, है ना, देखो ये रहेगा सोलह बत्तीस फोर्टी वन अपॉन ये, तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा थ्री नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू फोर्टी वन अपॉन फोर्टी एट, है ना, ये आ गया ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एक्स वन, अब फिर भाई एक्स वन वाई वन इसके ऊपर भी तो लाई करेगा एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कर्व भी तो लाई करता है एक्स वन वाई वन लाइज ऑन फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया करो इसको फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां से वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वाई वन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री इंटू एक्स वन, है ना, एक्स वन कितना है
41 over 48 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 316, ठीक है 16, तो ये क्या हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 16, 41 माइनस 16 दूनी 32 अंडरूट में हो गया, तो वाई वन इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9, ऊपर कितना हो गया बता ये पे लिख दो अंडरूट 9 अपॉन 16, तो ये कितना बन जाएगा 3/4 आ गया ना, ये वाई वन आ गया, एक्स वन ये निकला था, अब इसकी क्या निकालनी हमने इक्वेशन ऑफ द क्या निकालनी थी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन आप निकाल दो ऐसे y माइनस वाई वन 3/4 इज इक्वल टू एम, स्लोप कितना आना है 2 ही आना है, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो एक ही बात है, ठीक है ना, क्यों क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल है स्लोप तो इक्वल ही आएगा, 2 ले लिया मैंने यहाँ पे ना, तो x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना था 41/48 है ना, अब इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करनी पड़ेगा ना हमें, तो हाई विल कैन सॉल्व सॉल्व आपकी इच्छा होती है जैसे मर्जी कर सकते हो आप, मान लो मैंने 4 यहाँ पे एलसीएम लेके ये कर दिया 4y-3/4 इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले तो यहाँ पे 2 आ गया एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 48 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48x-41 है ना, ये आ गया यहाँ पे 2x 48x-41 आ गया ना, तो यहाँ पे ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्या रहेगा 24, ठीक है 24 आ गया, अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो 4 1 4 4 6 24, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 4 24 y -6 3 18 इज इक्वल टू 48x-41 है ना, तो अब इसको इधर ले आओ आप 40 24 y -48x इज इक्वल टू 18 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस से करोगे 18 तो ये क्या आ जाएगा 11 में से हट गए 3 23 रह जाएगा ना, ये क्या आएगा माइनस का ना, ये देख लेना और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 24y-48x+23 = 0, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम, आंसर इसका क्या है 25th क्वेश्चन था, क्योंकि ये है तो ठीक है कोई सॉल्यूशन में मतलब कई बार मिस्टेक ना हो जाए उसमें कैलकुलेशन में, 48x-24y = 23, ठीक है बेटा, उन्होंने क्या कर रखा है ये कॉमन निकाल रखा है यहाँ से माइनस ना 48x तो 23 उधर जाके क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है बस यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे ना तो फिर वही आंसर आ जाएगा आपका, ये जो पीछे दिया हुआ है 48x उधर जाके माइनस और -24, ठीक है ये आंसर हमारा था इसका 25th का। नाउ 26th क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, चूज द करेक्ट आंसर, आपने जो है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है ना, तो पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, तो जो कैसे निकालते हैं dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x+3 sin x का डेरिवेटिव cos x है ना, तो नाउ इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे, तो dy/dx एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी बेटा, ये 0 हो जाएगा 3 cos 0 4 into 0+3 cos 0 cos 0 sin 0 0 cos 0 का होता 1, तो ये कितना आ गया 3 है ना, जो dy/dx मतलब ये स्लोप आया किसका टेंजेंट का, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा ये -1/3, मैंने बोला ना रेसिप्रोकल वो होता है ना -1/dy/dx, तो इसकी करेक्ट आंसर कौन सा आ गया डी पार्ट है ना, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये देखो नाउ दिस इज व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 27, व्हाट इज दैट द लाइन y = x+1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस है ना एट पॉइंट, पॉइंट्स निकालने हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं, तो मैंने क्या मान लिया पहले लेट पॉइंट्स आर x1, y1 है ना, लेट पॉइंट्स आर दिस, तो ये पॉइंट्स मान ली, अब यहां पे dy/dx निकालो इसका 2y dy/dx इज इक्वल टू, अब ये देखो ये है ना ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है,
तो इसका स्लोप और इसका स्लोप मतलब एक तो मैंने यहां से स्लोप निकाल लिया, ये है ना बेटा ये मान लो ये वैसे हाइपरबोला है ना, वाई स्केल इज इक्वल टू 4x, एक्स हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव रहेगा, एक्स पॉजिटिव रहेगा तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा ना इसका, ये है। अब यहाँ पे ऊपर कुछ भी है, ये टेंजेंट है कहीं पे भी ना, इसके ऊपर कहीं पे भी हो सकता है टेंजेंट, टेंजेंट है तो वो ये लाइन की इसकी इक्वेशन है और हम यहां से इस कर्व की हेल्प से क्या निकाल लेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ये ऐसे 2dy स्लोप निकाल लेंगे ना, 2y dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो dy by dx इज इक्वल टू 4/2y है ना, तो एट पॉइंट्स dy by dx कौन से पॉइंट्स पे x1 y1 पे, तो ये क्या हो जाएगा 4/2y1, इसको कैंसिल कर दो भैया, 2 2 4 है ना, 2/y1 ये आ गया इसका स्लोप, और एक इसका स्लोप क्या होगा बेटा, इसका स्लोप क्या दे रखा है y is equal to x plus 1, तो बिल्कुल उसकी फॉर्म में दे रखा है y is equal to mx plus 1, तो एक ही लाइन है ये याद रखना, ये किसकी लाइन है, ये कौन सी लाइन है टेंजेंट की, और ये किसका स्लोप है टेंजेंट का, तो यहां से मैं स्लोप और ये स्लोप क्या होंगे इक्वल, इसका स्लोप क्या है 1 इज इक्वल टू 2/y1, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ये y1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 2। अब x1 कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये है ना, ये है ये पॉइंट इसके ऊपर तो पक्का ही लाई कर रहा है x1 y1, मैं उस पर भी कर सकता है जिसपे मर्जी ले लो आप, ये उस पर भी आ जाएगा ना ये, तो क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर भी x1 y1 इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो आप यहीं से निकाल देते हैं y1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, देखो कौन सा आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है जी 6.3 का ए पार्ट, ए पार्ट देखो ए पार्ट ही आंसर बनेगा अपना, ए पार्ट है ना, ए 6.3 का ए पार्ट, 1 and 2 बनना चाहिए ना, तो 1 and 2, तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू आई थी, y1 कितना है 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर बन गया 1 and 2 है ना, ये था हमारे पास 1 and 2, तो ये देखो ये मैंने ना स्पेशली ले लिया ये पॉइंट x1 y1, क्योंकि ध्यान से देखा करो इक्वेशन, मेरा फिगर बताने का मकसद ही ये होता है कि ये इक्वेशन लेनी है तो ये लेनी है, वो देखो ये x1 y1 इस लाइन की टेंजेंट थी, अब ये पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है इस पे भी लाई कर रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते थे है ना, कई बार हम ये नहीं लेते क्यों, वो कौन से केसेस में नहीं लेते, जब मान लो ये है तो ये x1 y1 है तो ये टेंजेंट क्या है पैरेलल है इसके, तब नहीं लेते हम ठीक है, तो ये थी हमारी 6.3 आज कंप्लीट हुई है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, यू कैन टेल मी बाय कमेंटिंग यू आर गेटिंग और नॉट, क्या थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।